सर क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भला करे ऊपर वाला, मैं तो बिना सर्दी के कांप रहा हूँ। क्यों सर, आप बिना सर्दी के क्यों कांप रहे हैं? डर के मारे। अब तुम पूछोगे डर के मारे क्यों? पूछो पूछो। चलो मैं ही बता देता हूँ, हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी की टॉप सीक्रेट फाइल्स आई हैं। वो कल तक वीनस सिटी के आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचानी है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि दुश्मनों की नजर हमारे ऊपर पल पल है। ये टॉप सीक्रेट फाइल्स वीनस सिटी आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाने का कोई ऐसा प्लान बनाओ कि किसी को शक ना हो, वरना दुश्मन रास्ते में ही हमला करके इन्हें छीन सकता है। सर आपका नया चार्टर प्लेन आया है, उसकी टेस्ट फ्लाई राइड भी लेनी है, अगर आप कहें तो। आप बात कर सकते हैं, ये भरोसे के आदमी हैं। अगर आप कहें तो मैं अपनी फैमिली को प्लेन में घुमाने के बहाने साथ लेकर जाता हूँ। लोग सोचेंगे कि मैं अपनी फैमिली को जॉय राइड दे रहा हूँ और मैं फाइल लेकर सीधा वीनस सिटी लैंड करूँगा। That's a brilliant idea! भला करे ऊपर वाला, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। मैं परमिशन पेपर अभी साइन कर देता हूँ। ये लो ब्रीफकेस जी, इसमें टॉप सीक्रेट फाइल्स है। ऑल द बेस्ट, भला करे ऊपर वाला। थैंक यू सर, मैं अपनी फैमिली को घर से लेकर आता हूँ। पैंथर आ गए क्या? पैंथर, चीफ मिनिस्टर देवकी नंदन का प्यून आया है। क्या खबर लाए हो रामू? देवकी नंदन देखने में भोले हैं, ना समझो हम अनाड़ी हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। रेवा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या कर रहे हो तुम सब? नीचे आओ, कुछ कहना है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मेरे पापा मुझे थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर सर के नए प्लेन में घुमाने ले जा रहे हैं। कांग्रेट्स रेवा, विश यू लक, खूब एंजॉय करना। उनसे कहना किसी दिन हमको भी ले चले। बाय बाय। मम्मी मम्मी वो देखो, कितने सारे बर्ड्स। मेरी तरफ देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो। चौरसिया जी ध्यान से सुनो, देखने में हम भोले हैं, ना समझो हम अनाड़ी हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। उधर देखो, पहाड़ों के ऊपर एक बड़ी एयर स्ट्रिप है जहाँ प्लेन लैंड हो सकता है। उधर प्लेन लैंड करके वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की फाइल हमें दे दो और घूमने चले जाओ, वरना हरगिज नहीं, कभी नहीं। स्टार्ट फायरिंग। वो टॉप सीक्रेट फाइल्स किसी भी हालत में वीनस सिटी नहीं पहुंचनी चाहिए। एक बार वो वहां पहुंच गई तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगी। इनका प्लेन गिरा दो, हम वो ब्रीफकेस प्लेन से निकाल लेंगे। Ah!
लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। आदि युधि, तुम लोग लड्डू सिंह जी को लेकर वेदास माउंटेन पर आ जाओ। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। वो रेवा, कराना ही होगा। जियो, उनको ढूंढ निकालो। किसी भी कीमत पर मुझे वो बैग चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग हमारे पीछे क्यों हैं? और वो किस सीक्रेट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? सॉरी, मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई। हुआ यूं कि मोड पर और नहीं उड़ा सकता, इसकी बैटरी डाउन हो रही है। बैटरी सेव करनी पड़ेगी, बाद में काम आ सकती है। पहाड़ पे उतरना होगा। आप तो सिर्फ बोलते हो कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं, वो तो असली खतरों का खिलाड़ी लग रहा है। लाओ, उस बच्चे को पकड़ के लाओ, देखे तो सही वो है क्या भला। अरे आदि उड़ी, मैंने कहा ना लड्डू सिंह साहब वीनर सिटी गए हैं और उन्हें आने में टाइम लगेगा। चल यूरी, शिवा के पास तो जाना है कैसे भी। आज देख मैं क्या कमाल करता हूँ। आपको इस साल की सबसे गर्मा गर्म स्टोरी मिलेगी। आपके चैनल की टीआरपी जू करके आसमान छू जाएगी। सोचिए, एक पायलट अपनी जान पे खेल के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ले जा रहा है। किसी को शक ना हो इसलिए वो अपनी फैमिली साथ ले जाता है, उनकी जान खतरे में डालता है। सोचिए, दुश्मन के लोग उनको चेस करके पहाड़ों में गिरा देते हैं और अब एक एक मिनट कीमती है। दुश्मन उन्हें ढूंढ रहे हैं। क्या उन्हें वो टॉप सीक्रेट फाइल्स मिल जाएंगे या क्या वो बहादुर पायलट अपनी जान पे खेल के फाइल्स बचा लेगा? क्या शिवा उन तक पहुंच पाएगा? सोचिए सोचिए। सोचना क्या है, इससे बढ़िया स्टोरी मिल ही नहीं सकती। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं किसी भी हाल में ये फाइल दुश्मनों के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। वो कुछ मदद का इंतजाम करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। शायद उससे पहले शिवा यहाँ आ जाए। लाइए, मैं उसे फोन करती हूँ। शिवा, तुम कहाँ हो? मैं पहाड़ों में कहीं हूँ। मेरे सामने 10 बदमाश गन्स लेकर आ रहे हैं। ये दुश्मन के लोग हैं और हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम दूसरी साइड चले गए हो। वो खाड़ी के उस पार है। बच्चे, चलो, पैंथर ने बुलाया है। बच्चा नहीं कहना अंकल।
मार खाओगे। खत्म कर दो इसे। जा सकते, विंड बहुत तेज है, इस तरफ लैंड करना होगा। डोंट वरी, तुम बताओ तुम कहाँ हो? कोई लैंड पर? हमारी तो सांसें रुक गई थी। शिवा, तुम जहाँ लटके थे ना, उसके ही राइट साइड में कहीं बहुत दूर है हम। मैं वहाँ से तुम्हें देख रही थी, लेकिन पक्का लोकेशन नहीं बता सकती और ना ही सामने आ सकती हूँ। वो गुंडे हमें देख के इधर आ जाएंगे। डोंट वरी, आई विल फाइंड यू। वो उनसे बात कर रहा है, वो उनके लिए ही आया है। चलो उसका पीछा करो, वो हमें चौरसिया तक ले जाएगा। वो रहा। मैंने देश के दुश्मनों के हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर लिया है, ये खबर हर तरफ फैला दो। शूट मी, शूट मी। ओए हीरो, शूटिंग बाद में करना, पहले शिवा के पास चलो, वैसे भी वो उधर अकेला है। हम एक लॉन्ग रास्ते से उस पार जा सकते हैं, वहाँ तेज विंड नहीं मिलेगी। लेट्स गो, कम ऑन, स्टोरी वहाँ है, यहाँ सिर्फ आधी है। गया वो बच्चा, यही कहीं तो था अभी। बच्चा मत कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। देखने में हम भोले हैं, ना समझो हम अनाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। गौरी अंकल, लड़ने का टाइम नहीं है। अंकल,
क्या नाम बताया था अपना? शिवा। बच्चे, ये बड़ों के काम हैं जो तुम कर रहे हो। बड़ों को ही करने दो, अब यहीं अटके रहो। हम जाते हैं तुम्हारे दोस्त के पास। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का चक्कर छोड़ो, इसकी साइकिल ही ले चलो। ये किसी टॉप सीक्रेट हथियार से कम नहीं। बकवास बंद करो और पकड़ो उसे। शिवा, इधर, इधर। कहा था ना, देखने में हम भोले हैं, ना समझो हम अनाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। अब कहां जाओगे मेरी जकड़ से? बहुत दिखा लिया कर, चुपचाप ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो। बस, अब मैं तुम सबको इस पहाड़ से नीचे फेंक कर चला जाऊंगा। वैसे उस बच्चे ने बहुत कोशिश की तुम लोगों को बचाने की, पर बेचारा कुछ कर नहीं पाया। बच्चा मत कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। शिवा, शिवा। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने फाइल की बात लीक की है। मिस्टर चौरसिया, आप लोग ठीक तो है ना? जी हाँ सर, यही है शिवा जिसके बारे में मैंने आपको फोन पे बताया था। शिवा, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं जानते आज तुमने देश की कितनी बड़ी मदद की है। चलो घर चलें।